अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रावल रियाज और आप देख रहे हैं क्विक स्टार्ट ऐप। जी तो लास्ट टाइम मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो दी थी कि डायनेमिक और ऑटोमेटिक स्लाइड शो आप कैसे बना सकते हैं एयरटेबल के साथ। तो उसी पे काफ़ी मैंने कमेंट्स में देखा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें ये बताएँ कि हम इमेज के साथ जो डायनेमिक है स्लाइड शो के साथ हम वीडियो कैसे प्ले कर सकते हैं। तो आज जो है मैं आपको वही बताऊँगा कि आप इसमें इमेज के साथ जो है कैसे कोई भी वीडियो को जरल डाल के आप जो है कैसे उसको सेट कर सकते हैं, कैसे प्ले कर सकते हैं। तो इसमें जो है मैंने आप लास्ट में देखा था, इसमें सिर्फ आपको एक ये वेब पेज नज़र आ रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो अब मैंने जो इसमें एक यूट्यूब का कंपोनेंट लिया है और एक जो है मैंने यहाँ पर बटन लिया। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पर एक स्प्रेडशीट एक्स्ट्रा ली है, ठीक है। सेम जो डाटा यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर मैंने इसमें दिया, उसमें कुछ चेंजेस। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ जो हमारा काम करेगा वो मैंने लिया हुआ है क्लॉक। अब देखें क्लॉक को मैंने 2500 पे जो है मैंने इसको टाइम इंटरवल इसका रखा हुआ है। और आपको एक चीज़ जो ये बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट, मेन पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दूं कि देखें हमारे पास यहाँ फ्लिपर में टाइम क्या है, हमारे पास फ्लिप इंटरवल, ये वो टाइम है जिसके बाद नई इमेज शो होती है हमारे पास, ठीक है। तो जो ये वाला टाइम है यही टाइम जो है मैंने यहाँ पर क्लॉक को दिया हुआ है, और यहाँ से टाइमर को मैंने इनेबल नहीं किया हुआ, इसको मैंने फॉल्स भी रखा हुआ फिलहाल। सिर्फ जो है टाइमर ऑलवेज फायर्स जो है वो मैंने इनेबल रखा हुआ है, और इसको इनेबल अभी तक मैंने नहीं किया हुआ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें एयर टेबल में जो लास्ट टाइम था उसमें आपको सर इमेजेस वाला कॉलम नज़र आ रहा था, अब जो है मैंने यहाँ पे यूआरएल का भी ऐड कर दिया। इसमें जो है वीडियोज़ की आईडीज मैंने यूट्यूब वीडियो की आईडी जो मैंने ऐड की हुई हैं। सो अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली तो वो लाजमी देख लें, आपको जो है क्लियर हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ये एडवांस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो आपको कंपोनेंट्स मैंने समझा दिए, डिज़ाइन पार्ट भी समझा दिया मैंने, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके ब्लॉक पार्ट की तरफ, क्या आपने करना क्या। अच्छा यहाँ पर हम ले लेंगे तीन URL, सॉरी वेरिएबल ले लेंगे तीन हम, ठीक है। क्रिएटिव दो को जो है हम एम्प्टी लिस्ट पे करेंगे और एक हम इंडेक्स वाला लेंगे, इसको हम वन पे रखेंगे, ठीक है। ये जो हमने एम्प्टी लिस्ट वाले लिए हुए हैं इसको हमने क्या किया हुआ है जी, पहले इमेजेस वाला कॉलम था वो हमने गेट किया यहाँ से, सारा डाटा यहाँ से इमेजेस लिए हैं, ठीक है। लेने के बाद हमने जो वेरिएबल ये बनाया था एम्प्टी लिस्ट वाला इमेज वाला, इसमें हमने इसको वैल्यू को स्टोर कर दिया। इसके बाद जो स्प्रेडशीट टू वाली थी उससे हम यूआरएल वाला कॉलम वो गेट किया और उसको यूआरएल वाले में लिस्ट में हमने स्टोर कर दिया। इसके बाद क्या किया देखें, जब ये सारा कुछ स्टोर हो गया, ठीक है, उसके बाद टाइमर को मैंने इनेबल कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अब जो है ये दोनों चीज़ें जो है हमें चाहिए, लाइक इमेज भी चाहिए, इमेज को भी मैंने इनेबल कर दिया। इसका तो टाइम मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था 2500, ठीक है, इंटरवल मिली सेकेंड्स 2500 रुपये, और 2500 पे रखा हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ, जब क्लॉक किया तो क्लॉक को भी 2500 ही इंटरवल मैंने इसका रखा हुआ है 2500 मिली सेकेंड्स पे। तो अब क्या होगा, ये जब स्टार्ट होगा तो ये तो उसी में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, 2.5 मिनट बाद जो है वीडियो इमेज जो है नहीं ये शो करवा देगा। उसी तरह जब क्लॉक स्टार्ट होगा तो देखें यहाँ पे एक चीज़ मैंने और की है, बहुत मेन पॉइंट समझने वाला है, मैंने यहाँ एक लेबल लिया हुआ है, ठीक है। इस लेबल को, इस पर टेक्स्ट कोई नहीं, इसको ब्लैंक रखा हुआ है, इसको मैंने इनविजिबल किया हुआ है। अब इसको मैंने क्यों लिया हुआ है इसको आप समझ लें, अगर तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिंक डालता हूँ तो उसको फिर हमें प्लस माइनस करने में इंडेक्स के साथ इशू होगा। अब इंडेक्स मैंने रखा हुआ है यहाँ पे 1 पे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये वाला जो ब्लॉक है फिलहाल ऊपर वाला छोड़ दें, आपने ये समझना है कि जब क्लॉक स्टार्ट होगा तो वो क्या करेगा, स्टैट ग्लोबल इंडेक्स वाला जो है इसमें +1 करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास होती है यहाँ 1 है, तो 1 के बाद ये क्या करेगा 2.5 सेकेंड के बाद इसमें 2 करेगा, 2 करने के बाद क्या करेगा, जो लिंक लेबल है हमारे पास इसके टेक्स्ट पे ये जो लिस्ट है यूआरएल वाली इसमें से ये इंडेक्स ले लेगा। देखें इसको समझाए, 1 है, ठीक है, 1 के 1 है, तो 1 के बाद क्या करेगा ये, जब इसमें +1 होगा तो 2 इंडेक्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो फिर ये जो वाली लिस्ट होगी ये इसमें से 2 वाली जो 2 नंबर पे जो भी हमारा जुड़ा होगा उस वाले को ले लेगा। अब इसमें कंडीशन लगाई है, मेरे पास सिर्फ इस वक्त हैं 5 ये रोज़ हैं 5 वीडियोज़ का डाटा है मेरे पास। मैंने क्या किया कि इफ़ इज इक्वल टू 5, ये देखें अगर तो ये प्लस करते रहेंगे तो फिर 100+ 1000+ से जाता रहेगा इंडेक्स, तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए जब ये प्लस पे 5 के इक्वल आ रहा है तो इसको मैंने क्या कर दिया, ग्लोबल इंडेक्स को दोबारा से मैंने 1 पे कर दिया, और लिंक लेबल को दोबारा से मैंने ये वाला ब्लॉक, ये देखें आपको ये ब्लॉक यहाँ से मिल जाएगा, इस पर लिखा हुआ है सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट, वो कह रहे हैं कि
लिस्ट में से आइटम सेलेक्ट करनी है, तो लिस्ट कौन सी है, ये वाली लिस्ट, और इंडेक्स, इंडेक्स हम कहते हैं नंबर को, ठीक है। सो यहाँ पे ये नंबर इसका ले लेगा, जब ये वन होगा तो यहाँ पे फिर दोबारा से वन वाले पे आ जाएगा। और सॉरी इंटरनेट मेरा स्लो है, तो मैं भी खैर आपको समझ आ जाएगा, ना समझ आए तो कमेंट मुझे कर सकते हैं, ठीक है। जब फाइव ही होगा दोबारा इसको वन करेगा, वन से दोबारा ये वन वाले पे आ जाएगा, और हर ढाई मिनट बाद दोबारा ये तब तक इसमें प्लस वन करता रहेगा जब तक ये फाइव के इक्वल नहीं आता। और जब जो भी होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा, फोर तक यहाँ पे जूरल इसको लेबल को देता रहेगा। अब लेबल मैंने क्यों लिया होगा था, क्योंकि यहाँ पर तो लेबल में प्लस कर रहे हैं, तो उसको हमने लेबल को कहीं स्टोर भी करना था। यहाँ तो आप ट्रिनिटी भी ले सकते हैं, तो यहाँ जो है आप लेबल भी ले सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लेबल लिया हुआ, तो मैंने यहाँ क्या किया हुआ, जब बटन क्लिक होगा तो मैंने यहाँ से YouTube वाला जो था वो मैंने यहाँ इंस्टेंट लोड आईडी, वीडियो आईडी वाला आईडी मैंने क्या दी, लेबल टेस्ट पे जो भी इस वक्त आईडी होगी वही वाली जो है उसको प्ले करेगा। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं भी आया तो हमारे कमेंट्स कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका डैमो, कि इसको डैमो में कैसे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हुई हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं डैमो की तरफ। जी तो देखें भाई डाटा ये ले रहा है, इसको मैं लाइव टेस्ट कर रहा हूँ इस वक्त। ये देखें डाटा इसने ले लिया है, और इमेजेस खुद खुद चेंज होने शुरू हो गई। आप ये यूट्यूब देख रहे होंगे कि इस पे प्लेयर पे अभी प्रोग्रेस हो रही है, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट में, अभी तक मैंने कोई बटन वगैरह प्रेस नहीं किया। अब देखते हैं कि हम ये इस पे ब्लू वाले पे क्लिक करें, और देखें कि यहाँ पे ये वीडियो प्ले होगी, और देखें कि ऊपर इसका टाइटल आप पढ़ लें। अब हमने किया था ब्लू वाला, अब हम देखते हैं कोई और वीडियो पे करके येलो वाले पे करते हैं। तो देखें येलो वाले पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी टाइटल और वीडियो दोनों चेंज हो गए। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो जो आप कह रहे थे कि YouTube का ऑटोमेटिक थंबनेल ले, तो मैंने ट्राई किया तो वो ब्लॉक अभी इसका काम नहीं कर रहा। तो अगर इन फ्यूचर कभी भी ये पॉसिबल हुआ तो मैं उस पर वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नई वीडियो आने तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।